सभी सारे पुलिसकर्मी तुरंत उठे और अनुशासन में रहे। वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ से तुरंत उठिए। अपने स्थायीकरण नौकरी की मांग को लेकर सहायक पुलिसकर्मी जो है राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में पिछले 19 दिनों से धरने पर बैठे हुए थे, मगर सरकार या सरकार का कोई भी व्यक्ति इनसे वार्तालाप करने नहीं आया, जिसके बाद ये सहायक पुलिसकर्मी आज सीएम आवास घेराव के निकले हैं। और ठीक सीएम आवास के ठीक सामने आप देख सकते हैं ये सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगे सरकार के पास पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ कुछ पुलिसकर्मी यहाँ बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या मांगे हैं इनकी। क्या मांगे हैं भैया आपकी? हम लोग को जिला बल में नियोजित करने का यही मांग है, जो हम लोग 20 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार कोई सुध नहीं लिया। मुख्यमंत्री साहब के लिए 5 साल में 3 बार वैकेंसी निकल जाता है सर, और हमारे लिए कुछ नहीं। ये देखिए हमारे हाथ में मच्छर कैसे काट के किया है इनके। ये तो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए, हम लोग तो गांव से पत्थर पहाड़ से गाय बैल बकरी चराने वाला बच्चा है। हम लोग को गुमराह किया जा रहा है, हम लोग को बुड़बक बनाया जा रहा है। दो बार आश्वासन दे के और झूठा वादा करके हम लोग को ठग के और फिर से भेज दिया गया। मात्र 10,000 रुपया में सर 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। ऊपर से विभाग का शोषण अलग है, कोई भी हम लोग कोई छुट्टी नहीं है। हमारे महिला साथी लोग, इन लोगों के लिए छुट्टी नहीं चाहिए? हम लोग का घर परिवार नहीं है, एक भी छुट्टी नहीं है। और अगर एक दिन ड्यूटी नहीं जाएंगे तो रिपोर्ट कर दिया जाता है हम लोग को। लाठी चार्ज हुआ है हम लोगों के ऊपर। हमारे कुछ साथी इंजर्ड है जो अभी हॉस्पिटल गए हुए हैं। और ऐसे में बात पहुंचाने आ रहे हैं आप पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज हो रहा है? जी, अपना भाई लोग ही मार रहे हैं हम लोग के। और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जितना मोरहाबादी में हम लोग का तंबू लगाया हुआ था, हम लोग पूरा बरसात में झेलने के लिए एक पतला सा प्लास्टिक है उसको कबाड़ कर फेंका जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी भी है कुछ, हम उनसे बात करते हैं कि क्या क्या कारण है वे आज इतनी दूर आकर के यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैडम क्या कारण है? हम लोग की जो भी मांग है वो पूरी नहीं हो रही है तो क्या करेंगे? आज 18 दिन हो गया हम लोग मोरहाबादी में शांतिपूर्ण रूप से उपवास भी किए, शांतिपूर्ण रूप से बैठे। अब तक हम लोग के पास कोई प्रतिनिधि भी नहीं गया हम लोग के साथ वार्ता करने के लिए, तो क्या करेंगे अंत में? मांगे तो पूरी होगी और पूरी होगी तबे हम लोग यहाँ से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाने वाले हैं यहाँ से। देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिसकर्मी हैं वे अपनी मांगों को लेकर
यहाँ बैठे हुए हैं और इनका सीधा कहना है कि जब तक सरकार हमी मांगे नहीं सुनती है तब तक हम ऐसे ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठे रहेंगे। चंदन सिंह, न्यूज रांची।